जी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के इंदौर से, इंदौर नगर निगम की बड़ी कार्यवाही, अवैध कब्जों के खिलाफ नगर निगम की कार्यवाही जारी। निगम ने अलग अलग बाजारों से दुकानों की बाहर रखा 60 ट्रक सामान जब्त किया। इस दौरान तीखी नोकझोंक भी हुई। निगम को इसका पहले से अंदेशा था, इसलिए पुलिस बल भी मौजूद रहा। शहर के मध्य क्षेत्र में अतिक्रमण का मुद्दा गरमाया हुआ। सड़क पर चलने की जगह नहीं होने से लोग परेशान। इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने सड़क पर कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान शुरू करने के निर्देश निगम की रिमूवल टीम को दिए थे। पहले चरण में समझेश दी गई, अब रिमूवल टीम कार्यवाही कर रही। रिमूवल टीम ने लोहार पट्टी, जेल रोड, महारानी रोड आदि क्षेत्र में कार्यवाही की। लोहार पट्टी में सड़क पर दुकान का सामान रखकर दुकानदार निगम और प्रशासन को चुनौती देने के अंदाज में सामान सड़क पर रखा था। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में दुकानदार सामान सड़क और फुटपाथ पर रखते हैं। निगम की टीम दोपहर में पहुंची तो कब्जाधारी में हड़कंप मच गया। दुकानदारों ने सड़क पर फुटपाथ पर प्लास्टिक, लोहे के ड्रम, लोहे की सामग्री सहित अन्य सामान रखा गया था। निगम की टीम ने यह फुटपाथ पर रखा 3 ट्रक तो महारानी रोड पर 4 ट्रक से अधिक सामान जब्त किया। इंदौर से योगेश दुबे की रिपोर्ट।